जय श्री कृष्णा। क्लास सिक्स विषय गणित, दिनांक 23/9/2020, प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर दूसरा, उपयुक्त क्रम में लगातार गुणनफल ज्ञात कीजिए। कल मैंने ए बी और सी मैंने शामपट पर कल ऑनलाइन क्लास में हल करवाया था और तीन प्रश्न मैंने गृह कार्य के रूप में आपको मैंने दिया था। गृह कार्य मैंने आपको घर पर करने के लिए दिया था, परंतु मैं अब शाम पट पर वापस डी ई एफ हल करवा रहा हूँ। उनको आप उन प्रश्नों को आप जांच लें कि आपने सही किया या गलत। तो मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का डी 625 × 279 × 16 को गुणनफल के माध्यम से मैं आपके सामने संकलन कर रहा हूँ। 16 × 625 × 279 बराबर, जैसे 625 को हम 16 से गुणा करते हैं, 6×5 = 30, हासिल के 3, 6×2 = 12, 13×14 = 15, 1, 36 × 1 = 37, गुणे का निशान 5, 2, 6, 0, 0, 0, 6, 3, 9 और 10 बराबर। इकाई 10,000 × 279 को जब हम गुणा करते हैं तो बराबर 279,000, 4 शून्य हम लगा देते हैं तो 27,11,000, 10,00,000, 10,00,000, 27,90,000 हमको गुणा करने पर 625 × 279 का मान प्राप्त होता है। उसी प्रकार से डी मैंने सरल कर दिया। ई जैसे बराबर 60 × 5 या आप इस पर 5 × 60 × 285 बराबर 6×35 = 300 × 285 से हम गुणा करते हैं 285 को हम 3 से गुणा करते हैं 15, 24, 25, 3×6 = 7 डी ई जैसे 300 × 285 को हम गुणा करते हैं तो 5×3 = 15, हासिल के 1, 8×3 = 24 = 25, 25×5 = 15, हासिल का 1, 8×3 = 25, हासिल के 2, 3×6 = 7 और 1 = 8, 8 बराबर बराबर 85,500। जैसे 5×60 को गुणा करते हैं 300 × 285 को जब गुणा करते हैं 85,500 हमको इसका मान प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर अगला एफ,
125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। जैसे सर्वप्रथम हम हल करते हैं 8 इंटू 25 इंटू 125 इंटू 40, 8 इंटू 25 इंटू 125 इंटू 40 बराबर 25 200 इंटू। अब हम 125 को गुना करते हैं, 125 को गुना करते हैं 40 से, 0 0 0 इंटू 520 जीरो हासिल के दो, 4 2 8 9 10 की सोम हासिल का एक, 4 1 5 0 0 0 5 5000 बराबर 5000 को 200 से गुणा करते हैं, 5 2 10 1 2 3 4 और 5। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 1 7 तो इसका मान आएगा 21,27,10,0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 0,
होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा में ए 297 + 297 × 23, जैसे हम सरल करते हैं 297 × 17 = 297 × 23 = 297 × 17। क्वेश्चन नंबर तीसरा में ए 297 × 17 + 297 × 23 = 297 × 17 क्योंकि 297 इसमें कॉमन है, तो हमने 297 लिया। 297 × 17 + 3 20 को जब हम गुणा करते हैं 297 के अंदर 20 को गुणा करते हैं 0 × 0 × 7 = 14 = 18 = 19 हाँ, संख्य 2 × 4 = 5 बराबर 5940 हमको संख्या प्राप्त होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए में 297 × 17 + 3 को जोड़ने पर 20, 297 को जब हम गुणा करते हैं 5940 प्राप्त होता है। 54289 + 8 = 54289 को जब हम सरल करते हैं तो बराबर 54289 × 98 + 8 = 54289 × 98 + 8 = 100 5489 दो शून्य लगा देते हैं तो 54 27 21 27 10 लाख 10 लाख 54,27,900 हमको संख्या प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में सी 81,265 × 169 - 81,265 × 169 को हमको सरल करने पर सर्वप्रथम
जैसे 8001, 81265, 81265 इंटू 169 माइनस 169, 169 में से माइनस 169 करते हैं तो 81265 इंटू 100 बराबर 81265 जीरो इकाई इकाई सेंटर हजार दस हजार लाख 81,000 इकाई इकाई सेंटर हजार दस हजार लाख 10,00,000 81,000 26,500 हमको संख्या प्राप्त होती है। और फिर छात्रों घर पर गृह कार्य के रूप में डी 38,45 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218 को आपको अपने घर पर हल करना है।